हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जा रहे हैं माइकल की जो लैंड क्रूजर है उसको सेल करने, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसको ये गाड़ी रखे हुए, तो इसने सोचा क्यों ना यार ये गाड़ी बेच दी जाए और नई गाड़ी बाई की जाए। यार यहाँ से पहले एक जूस पी लेते हैं, हम एनर्जी के लिए अच्छा होता है। हाँ तो यार हम लोग जा रहे हैं इसकी गाड़ी सेल करने, और एक वायर हमें बताया है फ्रैंकलिन ने और दो वायर बताए हैं ट्रेवर ने। देखते हैं जिसने सही प्राइस इसकी बताई उसको हम जाके सेल कर देंगे अपनी ये गाड़ी, ये लैंड क्रूजर बेच कर। अब कोई और गाड़ी लेने का इसका इरादा है, क्योंकि ये इसने गाड़ी काफ़ी ज़्यादा से चला लिया है। इससे पहले एक पहले भी लैंड क्रूजर थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो आई कार्ड में मिल जाएगी, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लेना जाकर। जो इससे पहले वाले लैंड क्रूजर थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। खैर जो हमारा पहला सेल बायर है वो फ्रैंकलिन ने बताया, जो कि है इस जगह पर है। तो इधर हमें जाना है, पहला हमारा जो है बायर वो इधर है, तो चलो यार चलते हैं हम। और ये अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसको 720p 60fps पे रख लेना, ताकि आप लोग हर चीज क्लियर देख पाओ, क्योंकि कल एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि यार वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार है, तो इसलिए यार अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो फुल कर लेना। वैसे गाड़ी तो इसकी ये काफ़ी पसंद थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चला चुका है ये गाड़ी, तो इसने सोचा अब यार क्यों ना चेंज कर ली जाए। और गाड़ी बिल्कुल लश कंडीशन में पड़ी है, एक बार लगी भी नहीं है कहीं पर। इससे पिछली गाड़ी जो थी उसका तो कबाड़ा हो गया था बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सही पड़ी है गाड़ी। और यार कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि आपकी जो स्टोरी है उनको काफ़ी पसंद आ रही है, लोगों को काफ़ियों को, तो ऐसे ही हम ये स्टोरी कंटिन्यू रखेंगे। और बीच बीच में वैसे और भी वीडियोस हम अपलोड किया करेंगे, ताकि हर चीज़ बिल्कुल मेंटेन रहे। वैसे यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है ये, पर अब इसने बड़े लोगों में जाना होता तो एक ही गाड़ी काफ़ी अर्सा हो गया इसने रखी है, इसलिए अब ये सेल कर कर लेगा अभी भी बड़ी गाड़ी, पर जो है अब देखते हैं कौन सी लेता है। वैसे इसके इरादा है दो गाड़ियों का, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और दूसरी है टोयोटा प्राडो। देखते हैं जोन से इसको पसंद आई वो ले लेगा, और भी देख लेंगे अगर कोई अच्छी गाड़ी मिली तो। खैर अपना जो पहला बायर है वो सामने ही है, इस वाली, हाँ इस बिल्डिंग में आया उसने बताया था। इधर हम पार्किंग पर गाड़ी लगा लेते हैं, फिर उससे मिलते हैं, उसको मैसेज कर देते हैं कि वो आ जाए सामने, पार्किंग में लगा देते हैं, किसी जगह ही नहीं है। तो चलिए यार उसको मैसेज करते हैं उतर कर, ताकि वो आ जाए और फिर हम उससे कर लें बात। ओके तो मैसेज तो कर दिया हमने, अभी आ जाता है वो, और मेरा ख्याल है यही सामने वाले भाई है जो आ रहा है इस साइड पर, इधर ही आ रहा है, यही होगा। हाँ ये गया यार। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ यार आपको फ्रैंकलिन ने भेजा था। जी यार, उसका मुझे फोन आया था सर, उसने मुझे कहा था कि आपने, मैंने गाड़ी नहीं थी और वो बता रहा था कि आपने बेचनी है। मैंने कहा अगर अच्छी गाड़ी है तो मुझे बेचनी है। जी जी भाई बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर नहीं रहे, मैं आप बोनट वगैरह खोल के दे देता हूँ, आप चेक करने बिल्कुल सही तरीके। कैसे? आओ भाई यार चेक कर लो, ये देख लो यार बोनट। हाँ भाई देख लो, इंजन शिंजन चेक कर लो। इंजन तो लगे तो ठीक है, बॉडी वाइज भी आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक लग नजर नहीं आता, तो आपको बात कर लेते हैं। जी जी कम से चलो ठीक है। अच्छा तो बात ये है कि आप जो है ना अपनी डिमांड
भाई गाड़ी देख लो बिल्कुल साफ शीशा गाड़ी भाई है आपके सामने की बात है, मैं जो मांग रहा हूँ ना वो 1 लाख ओ 1 करोड़ 90 लाख है, आप देख लो अब आपका क्या सीन। 1 करोड़ 90 लाख एंड क्या है मतलब आप मुनासिब देख रहे हैं मतलब फ्रैंकलिन की वजह से हम आपको पास नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं 1 करोड़ 85 लाख कर लो यार, अब कहाँ पर 1.82 मेरे से नहीं सर, ये गाड़ी की हालत देखिए अभी भी मैं जाऊँ इसको शोरूम में भेजूँ 2 करोड़ की बिकती है, ये तो फ्रैंकलिन की वजह से मैं ज़रा कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ गाड़ी पड़ी है, नई गाड़ी पड़ी है बिल्कुल, मॉडल भी चेक करें आप सारा मॉडल डील करते हैं, चलो ठीक है तो चलो चलते इस तरह करते हैं तो आप जो है तो आप चलें कल कल भी रख लेते हैं कल फिर मैं आपको चले ठीक है, कल हम ऐसे करते हैं कल 10 बजे मैं फ्री होंगे 10 बजे कर लेंगे, 10 बजे आप एक डेस्टिनेशन हम सेट कर लेते हैं उधर आप भी आ जाना मैं भी आ जाऊँगा, आप पैसे दे देना गाड़ी देखना ठीक है ओके चलें ठीक है फिर कल मिलते हैं ओके बाय। ओके तो चलो यार वो भी चला गया अब हम भी चलते हैं घर, खैर डील फाइनल हो गई है मेरा ख्याल है यार सही है 1.85 लाख सही डील है यार, क्योंकि हम इस गाड़ी को काफ़ी यूज़ भी कर चुके हैं और तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि डील सही है, अब चलते हैं अपने घर और कल 10 बजे आकर हम इनको पैसे दे देंगे। यार वैसे गाड़ी बहुत कमाल थी ये, हमने ड्राइव बहुत इसने चलाई है और बहुत संभाल के रखी है इसने, किसी को चलाने भी नहीं देता घर में, जीपी को तो पास भी नहीं आने देता, गाड़ी की ब्रेक्स सब कुछ A1 बड़ा भी, पर ये यार अब काफ़ी दिन चला लिया अब नई गाड़ी तो लेना बनती है। कल आके उससे पैसे ले लेंगे और हम गाड़ी ले जाएंगे, और यार कुछ लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे इसी तरह कमेंट्स करो, खैर अभी चलते हैं अपने घर और सुबह फिर मिलते हैं उस भाई को। हॉर्न भी इसने ट्रक वाला लगवाया हुआ था, तो चलो अब इस गाड़ी को तो अपने उधर गैराज में ही खड़ा करेंगे, बाकी देख सकते हो मैंने एक गाड़ी बाहर खड़ी है, इधर सिर्फ गैराज के अंदर सिर्फ इसी की गाड़ी खड़ी होती है और किसी को खड़ी करने नहीं देता, और आपको दिखाता हूँ जो कि जिमी की गाड़ी है वो कहाँ पे खड़ी है, वो रही गाइस जिमी की गाड़ी और ट्रेसी मेरे ख्याल से करनी है फिलहाल क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं खड़ी, खैर यार चलते हैं अब आज काफ़ी थक गया सारा दिन इसका इसी में ज़ाया हो गया, शाम के 7 बज चुके हैं सुबह 7 बजे उठा दिए, पहले यार एक काम करते हैं जूस पी लेते हैं और फिर हम सो जाते हैं, आज हम एप्पल जूस पियेंगे तो जूस पी लेते हैं ज़रा एनर्जी लेके तो हम सो जाते हैं, सुबह उठेंगे फिर जाके हम गाड़ी इसको देते हैं और पैसे ले लेंगे और इंशाल्लाह फिर देखते हैं इसके लिए गाड़ी कौन सी बेस्ट लगेगी इसको, क्योंकि यार पर्सनैलिटी आप लोग इसके देखो पर्सनैलिटी तो बहुत है, पर्सनैलिटी के हिसाब से हमने गाड़ी लेनी है, अभी भी पर्सनैलिटी के हिसाब से रखी हुई थी इसने गाड़ी तो पर्सनैलिटी के हिसाब से हमने अच्छी सी गाड़ी लेनी है, कपड़े चेंज कर लेते हैं यार आज ही काफी जल्दी सो जाएगा, ओके भैया जी मैं तो सोता हूँ मिलते हैं कल, आह
सुबह हो गया यार। ओके यार, तो सुबह 6 मतलब 7 बज गए हैं, काफी टाइम से हो गया ये। आज हम पेंट कोट डालेंगे, कल ये वाला डाला था, आज हम डालेंगे ये, सही है मेरे ख्याल से। चलो यार, आज बस उसको गाड़ी देनी है। रात को उसको मुझे कॉल आई थी, उसने जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए मेरे बैंक में, और आज उसने मुझे एक लोकेशन भेज दिया, उधर हमने जाना है, उसकी गाड़ी देनी है जहाँ पे उसको कह रहा है। तो चलो यार, अब चलते हैं, उसको उसकी गाड़ी वापस देते हैं, जिसकी उसके उसने यार पैसे पहले ट्रांसफ़र कर दिए। फ्रैंकलिन का यार इतना एक ताल्लुक तो है कि उसने सिर्फ मुंह वाली बात पर ही यकीन कर लिया और उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वो भी 1,85,00,000 रुपये, बहुत बड़ी अमाउंट है यार। यार अब हम इसको ध्यान से लेके जाएंगे और वापसी पर हम जिमी को फोन कर देंगे, जिमी आकर हमें उधर से पिक कर लेगा। उसके मैं बता देता हूँ उसका है किधर लोकेशन, उसका घर किधर है, यहाँ पर यार उसका घर है। देखते हैं उसका घर कितना बड़ा है और सारा चेक चेक करते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी लिया, जाहिर सी बात है घर तो बड़ा हो गई, फिर भी जाके देखते हैं। खैर, क्योंकि उसने हमें लोकेशन सेंड कर दी थी, उसने कहा था यार आप आओ मेरे घर भी देख लो और गाड़ी भी दे देना मुझे। खैर, लास्ट टाइम है गाड़ी को अच्छी तरह हम भगा तो ले। ओके, तो आज माइकल को ज़्यादा ही गाड़ी को जोश से चला रहा है, जब अपने पास थी तब तो कभी नहीं चलाई इसने ऐसे। तो है अभी बेंटली के अंदर लगनी थी, दोनों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है। जब अपने पास गाड़ी थी ना तब तो माइकल इसको बहुत ही प्यार से चलाता था, पैसे आ गए हैं तो अब देखो किस तरह चला रहा है। अब अपनी अगली गाड़ी लेगा तब देखना उसको कैसे चलाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने मुड़ना है। वैसे ये जितने पैसे हैं ना इसके अंदर ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी लेने, इसने ऐसी हुई है इसके अंदर हमें ऑडी की, BMW, मर्सिडीज, ऐसी बहुत सी कार्स हैं जो कि हमें मिल सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ करता है टोयोटा और होंडा। वैसे इस क्या आप लोगों ने देखा, सारी गाड़ियाँ जो है ना टोयोटा की हैं, कोई एक गाड़ी इनके घर में किसी और कंपनी की है ही नहीं, सारी टोयोटा की गाड़ी है। अमेंडा के पास टोयोटा की गाड़ी है, जिमी के पास टोयोटा की है, ये भी टोयोटा की है, सारी गाड़ियाँ इनके पास टोयोटा की हैं। कैरियर पहले तो जाकर देखते हैं उसका घर कैसा है, रोते ही लेके आया वो। इधर ही यार फ्रैंकलिन का घर भी है, वो सामने फ्रैंकलिन का घर रहा उसके आगे, अच्छा फ्रैंकलिन के घर के साथ ही है। ये रहा फ्रैंकलिन का घर, आप लोगों ने देखा है जिमी के लिए जिस वीडियो में हमने गाड़ी बाई की है टोयोटा प्रियस, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद ये वाला घर है उसका, ओह माय गॉड, इसका घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलो यार, उसको यहाँ पर मैसेज करते हैं ताकि वो दरवाज़ा खुला दे और हम चले अंदर। वो यार, ये अभी पीछे से आके एक मारने लगा था, हम इधर ही उसको मैसेज कर दिया, वो कह रहा चलो ठीक है आ जाओ, वो आ गया सामने, वो खड़ा था। चलो यार चलते हैं अंदर। ओके, तो ये यार घर तो उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये रहा वो भाई। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है सर। यार ये आपके पास है सही, पहले भी लैंड क्रूजर? यार ये जो पुराना मॉडल था इससे पिछला, मतलब ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन घर वालों की जिद थी कि एक और न्यू मॉडल भी होना चाहिए। अच्छी, चलो ठीक है यार, ये गाड़ी आपकी आ गई है। नहीं नहीं अब मैं निकलता हूँ, मैंने अपने वो नहीं जिमी अपने बेटे को कर दिया मैसेज, बहुत तो होगा लेने, और पैसे पहुँच गए थे ठीक है। ये ठीक, अल्लाह हाफिज़।
खैर यार गाड़ी तो हमारा हमने दे दी है, अब जिमी भी आ जाएगा तो हम चल जाएंगे। खैर अब देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि इसके लिए कौन सी गाड़ी बाई कर रहे हैं। तो चलो यार बस फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।